नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके न्यूज पॉइंट पर और मैं हूं आपकी मेजबान प्रियंका चौधरी और एक अपडेट लेकर आप सबके समक्ष मैं हाजिर हुई हूं। अपडेट जो है, एक लड़का जो है वो सस्पेक्टेड एज द सुसाइड केस जो है सामने निकल कर आया है। पूरा मामला कहां का है मैं आपको बता दूं, उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी के बोनियार इलाके में एक नाबालिग लड़के को उसी के घर में रहस्यमय स्थितियों में मृत पाया गया और वहीं पर अधिकारियों का ये कहना है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। और एक अधिकारी के हवाले से जो खबर है वो भी सामने निकल कर यही आई है और उन्होंने अपने बयान में भी यही बताया है कि इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस जो है वो मौके पर पहुँच कर शिनाख्त जो है वो कर रही है, पूरी कार्रवाई जो है की जा रही है, हर एक डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। और अभी के लिए जो मौत के कारणों का पता चला है वो यही है कि ये एक सुसाइड केस है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है और जाहिर तौर पर यही बात सामने निकल कर आई है कि ये आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। और पुलिस विभाग द्वारा हालांकि अभी तथ्यों पर जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है और किस तरीके से आगे कुछ और फर्दर डिटेल सामने निकल कर आती हैं वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। लेकिन अभी के लिए उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी के बोनियार इलाके में एक युवक की, नाबालिग युवक की, क्योंकि बच्चा माइनर था और उसी के घर में रहस्यमय परिस्थितियों में वे मृत पाया गया। सस्पेक्टेड जो उस समय का जो डेटा निकाला गया है उसमें जो बात सामने निकल कर आई है वो सुसाइड से रिलेटेड है, ये एक आत्महत्या का मामला आ रहा है। और वहीं पर अधिकारियों द्वारा भी यही कहा गया है कि अभी के तथ्यों पर जांच पड़ताल की जा रही है कि फर्दर के लिए इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगी वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। लेकिन अभी जाहिर तौर पर ये आत्महत्या ही प्रतीत होती है, ऐसा कुछ अधिकारियों द्वारा बताया गया और पुलिस विभाग द्वारा इस पर कार्य जो है बहुत संजीदगी से किया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इस अपडेट में इतना ही, ऐसी कुछ और अपडेट लेकर आपके समक्ष में आती रहूंगी और मुझे इजाजत दीजिए, बने रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। धन्यवाद।